और खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। मीडिया के सामने मैंने खुद देखा, मीडिया को टीवी के ऊपर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आई। ये चुनाव कोई धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव वास्तव में इस देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अपनी से बेटे को टिकट मिली है, जींद का बेटा आज तक कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दिया। चुनाव तो 1952 से हो रहे, सतपाल जी दो बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और दोनों बार उनको वहां शिकस्त मिली। वोटर भी वही के हैं और मतदाता भी वही के हैं। इसके लिए ब्रह्मचारी जी को तो केवल बलि का प्रकरण बनाने के लिए सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया है। हरियाणा के अंदर इस लड़ाई को बाप बेटे का अस्तित्व बचाने की लड़ाई समझे जाने देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की ताजपोशी के लिए सतपाल ब्रह्मचारी को इसलिए चुनाव मैदान में लेकर के आया, ये शायद पिछली बार की हार का बदला हो चुका पाए, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इस बार भी उसको शिकस्त करनी पड़ेगी और ये हार सतपाल ब्रह्मचारी की हार नहीं होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी, कांग्रेस पार्टी की हार होगी। ये माना जाए पूरे हरियाणा में ब्राह्मण समाज एक जुट होकर बीजेपी को वोट देगा। बिल्कुल 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसी व्यक्तिगत नेटवर्क अंशा की पूर्ति के लिए नहीं, न ही किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा राष्ट्रवाद की सोच को आगे बढ़ाया है और आज भी हम राष्ट्रवाद की सोच के ऊपर खड़े हैं, विकास के साथ खड़े हैं, एक विजन के साथ खड़े हैं, देश के भविष्य के साथ खड़े हैं। यदि समीकरण ऐसे ना होते, मैं कह रहा हूँ ये चुनाव सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल पटौदी का चुनाव नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ और वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का भी नहीं है। ये चुनाव तो वास्तव में देश को तोड़ने वाली ताकतों का और देश को तोड़ने वाली ताकतों का चुनाव है। पिछले 10 साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी देश थी, उससे पहले 55 से 60 साल के बीच में आजादी के बाद 55 से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। आप उसकी तुलना में 10 साल में जो विकास कार्य हुए, 10 साल में देश की जीडीपी तो बढ़ी, 10 साल में जो आर्थिक विकास हुआ, जो सामाजिक समरसता पैदा हुई, मैं एक मोटे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी को क्रिमिनल कह करके द्वारों पर लगाया जाता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुले में आकर के बहस करे इस बात, जहां पर भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है इस देश में वहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। मीटिंग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए की गई है, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि कौन सी पार्टी को वोट किया जाए और क्यों लिया जाए। आज इस देश में मोदी का विकल्प नहीं है, मोदी ने जनता की तरफ पकड़ी है, किन लोगों को क्या चाहिए वही चीज जनता को दी है। जितनी सुविधाएं लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर मोदी चुनाव नहीं लड़ते, सबसे ज्यादा विकास मोदी जी ने किया है, चाहे जीत का ये लेते जितने हाईवे जीत में आज 8 हाईवे जीत रहे हैं, इससे ज्यादा विकास क्या होगा। ओवरब्रिज है, सेंटर पास है, विकास के नाम पर आप वोट मांग रही है बीजेपी, और मोदी एक व्यक्ति विशेष जिसकी धार सारे संसार में इंटरनेशनल लेवल पे है, और वही विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं है, केवल मोदी एक विकल्प है उसका, और ब्राह्मण समाज भी यही मानता है कि उस विकल्प के रूप में हम मोदी को देखते हैं और इसीलिए बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। जय हिंद।